Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again, my channel name is Exam Preppy। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो यार, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक कंटेंट और एक एक वीडियो बनाने में जो कि काम का हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन उससे हमारा भी बना रहता है। तो अब देखो, कॉमेंट की जो कट ऑफ थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई है, और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि भैया अब क्या होगा, मतलब इस साल कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मेरा तो लास्ट कॉमेंट की ही एक ऑप्शन था, उसी को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा की तरह लेफ्ट में आपको क्वेश्चन को दिखाता रहूँगा, ताकि उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो आप उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत मामले से उसके मैंने चार्जेस रखे हैं, और उसको भी फिर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है जी। तो चलो भाई, तो अब देखो, ये आपको दिख रहा होगा आरवी की कट ऑफ जो कि चली गई है इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर। तो आरवी की कट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो राउंड वन में अगर आप AIML धीरे धीरे सबके हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर अब आप आरवी की कट ऑफ यहाँ पे देखोगे, तो आरवी की जो AIML की जो कट ऑफ उन्होंने लगा दी है, वो लगा दी है 428 पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके ऑन द अदर हैंड CS की अगर आप देखोगे, तो CS में 169 पे कट ऑफ गई है, फिर BMS गई है, फिर रमैया गया है। एक अच्छा कॉलेज है GSS, इसका कोड देख लेना, 6E058 इसका कोड है, ठीक है। फिर दयानंद सागर है, फिर आरवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सारी इस साल कट ऑफ रही है CS की, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप आरवी का देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों का, कि सेकेंड राउंड तो कब होगा। अब देखो, सेकेंड राउंड की पॉसिबिलिटी है 10 डेज़ के बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एडिटिंग का ऑप्शन कब आएगा। एडिटिंग का ऑप्शन भी आएगा 10 दिन बाद। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रिजेक्ट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ गई है, जनरली बच्चों को उनके डिज़ायर्ड कॉलेजेस नहीं मिले, तो रिजेक्ट कर दें या फिर एक्सेप्ट कर दें। देखो, रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी अगर आप कर रहे हो तो भी फ़ीस भरनी है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड भी करो तो भी फ़ीस भरनी, तो बेहतर ये एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करके फ़ीस भरो। तो ये थी यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, जिसकी कंप्यूटर साइंस की। अगर वही आप ECE की या अब डेटा साइंस की मैं दिखा देता हूँ, अगर डेटा साइंस की कट ऑफ देखोगे, तो डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देख लेते हैं अभी, 911 ये गई हुई है रमैया की, ठीक है। और इसके बाद NIE की यहाँ पे गई हुई है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर इसमें ही अगर आप देखोगे, अब डेटा साइंस वाली में अगर आप देखने की कोशिश करो, तो डेटा साइंस का भी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी है कि आने वाले टाइम पे क्या कट ऑफ इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। तो देखो यार, आने वाले टाइम पे यहाँ पे कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इतनी लो कट ऑफ नहीं जा सकती। अभी यहाँ पे सारे जनरल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि सीट्स वैकेंट आपको नहीं दिख रही। सीट वैकेंट का वीडियो भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बता दूंगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए, तो वो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।